तो यार देखो, पहला राइट है राइट टू रेजिडेंस, यानी कि आपको उस ससुराल से आपको कोई निकाल नहीं सकता। होता है ना, बहुत बार इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, अभी तेरा पति मर गया, अब तू जा यहाँ से, तेरा कोई नहीं है, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो उन लड़कियों के लिए क्या तुम्हारा राइट टू रेजिडेंस है। अब कैसे ले रहे हैं आप, डोमेस्टिक वायलेंस में रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, ठीक है, आपको कोई निकालेगा नहीं, आपका राइट है भाई। पति चला गया तो क्या हुआ, अंटिल अनलेस तब आपको दूसरी शादी नहीं करनी, अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो वो तो अलग ही बात है, ठीक है। सेकेंड राइट आता है, आप दूसरी शादी कर सकते हो, यानी कि आपकी हस्बैंड साहब की डेथ होगी, अगर आपकी मतलब फैमिली अलाउड कर रही है तो आपको दूसरी शादी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बस आपको ये है कि जो पुराना घर है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा जब दूसरी शादी करोगे तो। थर्ड राइट है राइट टू मेंटेनेंस, यानी कि अगर आपके हस्बैंड साहब की डेथ हो गई है और आपको कोई मेंटेन नहीं कर रहा और आप अनेबल टू मेंटेन हो, तो जो भी आपके इन लॉज हैं वो आपको मेंटेन करेंगे, आप 125 कोर्ट में लगा सकते हो, ठीक है। वो जो कोर्ट है वो फैक्टर्स वगैरह देखेगा, वो सब आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर देगा। नेक्स्ट राइट आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो हस्बैंड साहब के नाम की जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें अगर वो बिना विल बनाए चले गए, सॉरी टू से बट बिना विल बनाए चले गए, यानी बिना वसीयत बनाए चले गए, और जो उनके हिस्से में आ रही है उनसे आप प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो उस प्रॉपर्टी में, सारी प्रॉपर्टी में नहीं। जैसे मान लो हस्बैंड के नाम कोई प्रॉपर्टी आ रही थी, ठीक है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड और वो बिना विल बनाए चले गए, तो उसमें से आप जो आपका हिस्सा है ना, जैसे होता है ना कि पहले उसकी वाइफ को मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा, इंटरस्टेट वाली जिसमें विल नहीं बनाई उसमें आप ले सकते हो, सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन का केस कर सकते हो। नेक्स्ट राइट आता है राइट टू पेंशन, बहुत सारी ना स्टेट्स में अलग अलग पेंशन चलती रहती है, विधवा पेंशन वगैरह, अगर आपको इसका डिटेल जानना है ना तो हर सोसाइटी में या हर मोहल्ले में ना, मतलब वो होते हैं CSC सेंटर होगा, कॉमन सर्विस सेंटर, आप वहाँ जाओ उनसे बोलो भाई कोई ऐसी स्कीम चल रही है कि भी जो विधवाओं को पेंशन देती हो और जो भी है, तो आप उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती। इवन हरियाणा में तो एक ऐसी स्कीम मतलब चलती है लाडली स्कीम, उसमें ये होता है कि जैसे ना कि अगर किसी को बेटी नहीं है और उसकी 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है और उसको मतलब बेटा नहीं है बेटी है, तो लाडली करके स्कीम है कि भी कि बेटी तो चली जाएंगी तो उसको कुछ पेंशन होता है ना भाई, कुछ अमाउंट देता है, तो ऐसे सरकार चलाती रहती है। तो आपके जो भी आपका स्टेट है उसमें जाओ, मतलब CSC सेंटर में देखो, और जो भी आपकी स्टेट ने चलाई होंगी वो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, फिर भी आपको कोई पर्सनल क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम इज इक्वल टू गरीब अकबर, मतलब चैनल के नाम से ही है, जो भी है सब कुछ चैनल के नाम से ही। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, चल।